तो गुड मॉर्निंग गाइज, डे है 3 और हम सुबह के बज चुके हैं 6:30। हम निकल पड़े हैं आज दूसरी डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है कैंची धाम, और आगे हम आपको दिखाएंगे कैंची धाम। सारे के सारे डेस्टिनेशन हमने कवर करके दिखाए आपको, बट आज हम आपको एक धाम दिखाएंगे जो कैंची धाम है, काफ़ी फेमस है। उसके लिए हम आगे अभी आपको सारा रास्ता दिखाएँ। सो बने रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। तो गाइज़ ये है रास्ता यहाँ का जहाँ हम जाने वाले हैं कैंची धाम। अभी हम निकले हैं भीमताल से और ये जो रोड जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है कैंची धाम की तरफ। नोकुचिया से 30 किलोमीटर ऊपर है ये वाला रास्ता, और काफ़ी साफ रास्ता है अब तक तो। बाकी धीरे धीरे आपको दिखाते हैं रास्ता हमें और कैसे मिलने वाला है। बाकी 30 किलोमीटर ऐसे चलते रहेंगे, आपको रास्ते का मजा देते रहेंगे ऐसे ही। हम सब अपने ग्रुप के साथ आए हैं एंड ये है अमरप्रीत। तो हम निकल चुके हैं कैंची धाम। इनका बहुत मन था सुबह सुबह जाने का कि हम चलेंगे तीसरे दिन, बट कोई प्लानिंग ऐसी थी नहीं कैंची धाम की। बट वो कहते हैं ना, एक बुलावा आ जाता है तो हमें जाना पड़ा, क्योंकि उनकी बहुत मान्यता है हमने सुनी है एंड वहाँ जाना भी चाहिए सबको। तो एक बार हमने सोचा चल यहाँ तक आए हैं नोकुचिया, तो उसके ऊपर 30 किलोमीटर ऊपर है तो हम वहाँ पर भी हो आए। तो सारे बंदे एग्री थे इस चीज़ से, एक दो बंदे भी नहीं होते तो शायद प्लान नहीं बनता, बट भगवान ने बुलाया। तो गाइज अब आ गए हैं 2 रास्ते आगे। यहाँ से आपको सामने एक बोर्ड मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है भवानी और भवाली। तो आपको लेफ्ट नहीं लेना है, आपको राइट लेना है भवानी भवाली और नैनीताल के रास्ते से। तो ये रास्ता वैसे आगे आपको नैनीताल भी कनेक्ट करेगा। अगर जिसको नोकुचिया से नैनीताल की तरफ जाना है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि 2 रास्ते आ जाते हैं, कई बार भटक जाता है इंसान आगे रास्ते, क्योंकि पहाड़ों में अलग अलग पहाड़ कटते हैं। तो गाइस ये है हमारी डेस्टिनेशन और कैंची धाम की पार्किंग आ चुकी है। हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो गाइस ये पार्किंग के लिए बोल रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करने वाले हैं और यहाँ से सीधा आपको दिखाएंगे मंदिर का रास्ता। अपनी गाड़ी पार्क करने पहले पार्किंग यहाँ पर फ्री है। ओ फ्री नहीं है, पेड है, मुझे लगा फ्री है। ओह गाइस यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ सकती है। अभी आपको बताएंगे क्या प्राइस है। हमें लग रहा था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बट पता लगा है कि ये भी पेड है। यहाँ स्कैनर है, आप यहाँ से भी पे कर सकते हो। गाइस हम यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं पेमेंट के लिए। कितने पैसे? तो गाइस हम पे कर रहे हैं 118 रुपीज। 118 रुपए की पार्किंग है, काफी कॉस्टली पार्किंग है यार। ओहो चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। गाड़ी चल के जाएगी भाई, इतनी तो दिल्ली में मॉल की पार्किंग है। ये तो दिए, अरे भैया गाड़ी नीचे लगाओ तो अलग-अलग तो नीचे जाएगी, नीचे ग्राउंड में। तो वही कहां है पेमेंट? यहाँ पर हमारे भाई ने कोशिश करी कि नेटवर्क नहीं आ रहे, नेटवर्क नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर ले लो भैया, पकड़ो लो जी, 2 रुपये पक्के हिसाब करते हैं। लो जी, आखिर हम भी बिजनेसमैन है। और इनका यूट्यूब पर वीडियो बेचने का बिजनेस है। नीचे जाना है, पार्किंग लेफ्ट साइड। काफी बड़ी पार्किंग है ना, बहुत बड़ी। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। हमें लगा तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम में और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर। अभी सुबह सुबह का टाइम है, अराउंड 8 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं और हम पार्किंग से अब सीधा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर। अभी ये है कैंची धाम हमारे बिल्कुल सामने। अभी हम नीचे से पार्किंग से होते हुए मंदिर की तरफ जाएंगे। सर हमारे साथ हैं। तो गाइस ये ना मार्केट है यहाँ की, और यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अपना प्रसाद लेके ही अंदर जाएं। अंदर आपको कोई प्रसाद नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट से ही बाहर से खरीदना पड़ेगा आपको। आपको जो हम दिखाएंगे सिर्फ बाहर से दिखा सकते हैं क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता। फ़ोन हमें बाहर ही सबमिट करने पड़ते हैं, अंदर शूट करना अलाउड नहीं है। तो आप ये देख लीजिए सारे कि ये है शू स्टैंड। अपना जूते चप्पल यहाँ पर उतार सकते हैं। और अंदर जाने के पहले आपको यहीं पर ही शूज उतारने हैं सारे। गाइस काफ़ी भीड़ है, काफ़ी क्राउडी है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सुबह सुबह का टाइम है 8 बजे का और इतनी भीड़ है यहाँ पर। अब जैसे जैसे दिन और आता रहेगा, नज़दीक टाइम बीतता रहेगा, भीड़ यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा होने वाली है क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर आप दर्शन हो गए। तो गाइस यहाँ पर जूता घर है, अपने यहाँ शूज़ उतारें और यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लें। प्रसाद लेके अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ। कहाँ उतार दें चप्पल? कहीं भी उतार दें चप्पल, क्या उतारनी है सर? आप यहाँ पर उतारें, यहाँ पर आप रख सकते हैं अपनी चप्पलें। गाइस चप्पल को हम यहाँ चप्पल रख दी है। टोकन तो नहीं मिला हमें कोई, बाकी यहाँ पर कम चांसेस हैं कि आपको कोई जूता चुराए क्योंकि ऐसी जगह पर कोई ऐसा काम करता नहीं है। हाँ भीड़ देखना, तो 8 बजे इतनी भीड़ है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा और भीड़ होगी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं 8 बजे ही है, तो आपको ये लगता है कि आगे और भीड़ होने वाली है जैसे टाइम बीतेगा? क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ही आप इतना देख रहे हो, क्राउडी है यहाँ पर। जी हाँ, भीड़ तो बढ़ती रहेगी, भीड़ तो और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। आज मंगलवार है और मान्यता ये है कि आज जो मानते हैं वो पूरा होता है, तो भीड़ बढ़ेगी। अच्छा, तो गाइज ये भी कह सकते हैं। तो कैंची धाम के मंदिर के बाहर इतनी ब्यूटीफुल नदी है, वाओ। ये है गाइस कैंची धाम, काफ़ी क्राउडी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, एक अच्छी वाइब आ रही है। तो गाइस मंदिर में हम जा रहे हैं, मे बी अंदर अलाउड ना हो फोटोग्राफी। तो गाइस ये बोल रहे हैं यहाँ वीडियो नहीं बनानी, तो हम यहाँ पर वीडियो रोक रहे हैं। सख्त मना है क्योंकि यहाँ पर आपको आगे कनेक्ट करते हैं कुछ समय के बाद। तो अंदर अलाउड नहीं है भैया कैमरा और कुछ क्या क्या। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े जी। धाम के बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा व्यू देख रहे हैं। व्यू काफ़ी अच्छा है, आप भी आइए एक बार व्यू भी देखें साथ में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ है। और आपने हमें वीडियो देखा, आपको कैसी लगी वीडियो का? बहुत बढ़िया, आई होप आगे भी आपको अच्छी लगेगी। जैसे ही आप वीडियो देखते रहें, लाइक करें, बाकी लाइक करें भैया और सपोर्ट करें। बाकी और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट व्लॉग आपको जो होगा वो कैंची धाम। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ से अपनी सेल्फी ले सकते हैं। आता है फ्लैट रूम जो भी बने हैं वो ऊपर ही है, सेकंड रूम में सेकंड फ्लोर पे इसका रिसॉर्ट।